तो गाइस मैं आ चुकी हूँ देखने के लिए दमदम का जो पूजा है फेमस दमदम पार्क का। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, बारिश हो रही है। वैसा हालत है अभी, जिसके पास पास नहीं है वो एंट्री नहीं कर सकता, 5 तारीख से ही एंट्री होगा। तो चलिए दूसरे। बहुत खूबसूरत है ये व्हाइट कलर का पंडाल और एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट में बनाया गया है। और ये कौन सी खूबसूरत पंडाल है? तो गाइज वेलकम टू माय चैनल अंजलीज फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। आज लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन का पंडाल। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ देखने के लिए दमदम का जो पूजा है फेमस दमदम पार्क का। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, बारिश हो रही है, और चलिए टोटो से उतरने के बाद अब मैं यहाँ पे आती हूँ, आगे बढ़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बंद है क्या दादा? कब खुलेगा? 5 तारीख से। तो ये 5 तारीख से ओपन होने वाला है। तो फिलहाल जितना आपको दिखा पा रहे आप उतना ही देख लीजिए। इस तरीके का थीम है। तो गाइस यहाँ पे अभी आप देखो अलाउड ही नहीं है, आप देख सकते हो मेरे पीछे है। अभी जिसके पास पास नहीं है वो एंट्री नहीं कर सकता, 5 तारीख से ही एंट्री होगा। तो चलिए दूसरे जहाँ पे जाती हूँ पंडाल में, देखती हूँ वहाँ का क्या सीन है, ऐसे ही है या फिर थोड़ा कुछ बेटर है। तो चलिए पीछे वाला जो पंडाल है वहाँ चलते हैं और आपको दिखा। तो गाइस फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, मैंने अपना अम्ब्रेला खोल दिया है, आप देख सकते हो खोल दिया। और अभी इतना जोर से बारिश हो रहा है, फिर भी देखो बहुत लोग आए हैं, लेकिन अभी तो ओपनिंग ही नहीं हुआ है। प्रॉब्लम यही है, ओपनिंग हो जाता तो कोई बात नहीं था, जिसके पास पास है वही सिर्फ जा सकता है, बिना पास के कोई एंट्री नहीं मार सकता। तो ये थोड़ा सा साइड पार्ट है, आप मेरे साथ इसी तरह से देखिए और एंजॉय करिए। ये है दूसरा वाला पूजा जो कि ठीक पीछे है दमदम पार्क के। लेट्स सी, यहाँ पे भी बैन लगा हुआ है, चलिए वो भी देख लो। जो कलिए हाइस देखिए, बात कर उनसे थोड़ा बोला मैंने कि थोड़ा आगे तक जाने के लिए अलाउ करिए, तो अभी अलाउ कर दिया है उन्होंने। और देखिए कुछ इस तरीके का है, 5 तारीख से पहले कोई भी पूजा आप नहीं देख सकते यूजुअली, पर ये देखो जितना मैं आपको दिखा पा रही हूँ, आप देखो बहुत खूबसूरत वर्क है गाइस। कैलकटा में इतना ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगा गाइस दुर्गा पूजा में, आप सोच भी नहीं सकते कि ये जिस मटेरियल से बना है वो अपने आप में ही काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, इस तरीके का कुछ क्रिएट कर पाना। तो गाइस आप देख सकते हो अंदर तो नहीं जा सकते, बट इस तरीके का कुछ जामदनी का जो काम होता है साड़ी का, उससे ये पंडाल बनाया गया है। साड़ी का वर्क से गाइस ये किया गया है, आप देखो थोड़ा क्या खूबसूरत। कलकत्ता में क्रिएटिविटी और खूबसूरती आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, कोई कमी नहीं है। तो आप देख सकते हो इट्स लुकिंग सो प्रिटी। सूता से काम करके गाइस एक पंडाल, जामदनी जो फैब्रिक है उससे बनाया गया, आप सोच सकते हो क्रिएटिविटी किस लेवल पे है कलकत्ता पे। इतना दूर मैं आई यहाँ पे, देखो बारिश भी हो रही है, अभी कोई ऑप्शन नहीं है पंडाल देखने का क्योंकि ओपनिंग ही नहीं हुआ है। ओपनिंग ही होगा 5 तारीख से, और जब होगा तब आप आता यहाँ पे दमदम पार्क। और इधर ये दोनों ही पंडाल आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और इतना अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट मैं तो बता नहीं सकती आपको। ये देखो कुछ इस तरीके का मेरे पीछे आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत। गाइस जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आप देखो मेरे पीछे कुछ इस तरीके का फूल आप लोग देख सकते हो, बहुत खूबसूरत लग रहा है, ढकाई जामदनी से। तो गाइस अभी मैं वहां से निकल गई, मेरा दोनों पंडाल में आई तो थी पर 5 तारीख को ओपनिंग होगा तो मैं दोनों ही बाहर से ही देख पाई, अंदर नहीं जा पाई। तो इस तरह का कुछ डेकोरेशन था, यहाँ से निकल चुकी हूँ इससे पहले बारिश तेज हो जाए। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन, एंड बी सेफ एंड एंजॉय योर पूजा। मजे से रहना, मस्त रहना, ठीक रहना, खुश रहना। बाय बाय।